बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान को जल अर्पण करते वक्त हमें क्या मंत्र पढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म हो चाहे ज्योतिष हो उसकी प्रामाणिक जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहे। देखिए, सूर्य भगवान को जब आप अर्घ चढ़ाते हैं तो खास बात इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें तांबे का पात्र हो तो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग बहुत लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं फिर भी वो कुछ गलतियाँ करते हैं, कई लोग उसमें चीनी डाल देंगे, कई लोग उसमें काली मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि लोग टोटका बताते हैं और आप उस पर विश्वास भी करते हैं। ये सब चीज़ें मिथक हैं, शास्त्रों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। अगर आप सूर्य के चढ़ाते हैं तो तांबे के पात्र से चढ़ाएं, उसमें अगर डालना है तो लाल फूल आप डाल सकते हैं, अगर उसमें डालना चाहते हैं तो आप रोली डाल सकते हैं, अन्य किसी भी सामग्री को उसमें ना डालें, ठीक है। कई लोग दूध डाल देते हैं, तांबे में तो दूध वैसे भी नहीं डलता है। अभी कल ही हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत अच्छा जो है वो पूजा पाठ करते हैं करवाते हैं, लेकिन उन्होंने जब हमें बताया कि हम सूर्य अर्घ देते हैं और दूध उसमें डालते हैं तो किसी ने उनको बताया होगा इसीलिए वो डालते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। और अगर ब्राह्मण लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो लोगों को इस बारे में ज़रूर बताएं और ऐसा भ्रम ना फैले, ऐसी बातें ना लोगों तक पहुँचे, बल्कि सटीक और सही बात लोगों तक पहुँचे उसका आप भी प्रयास करें, वीडियोज़ का आगे भी शेयर कर लें ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके। क्या मंत्र है? अगर आप बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको शॉर्ट मंत्र भी बताने वाला हूँ। मंत्र रहेगा ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यमान भक्त्या ग्रहाण अर्घ दिवाकर। इस मंत्र के साथ में आप भगवान सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं। पूरा मंत्र आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता, करत करत अभ्यास थे, अगर आप अभ्यास करेंगे तो दो चार दिन में ही आप याद भी कर लेंगे मंत्र। और अगर इतना नहीं भी हो पा रहा है और आप करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य के जो नाम हैं ओम गृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, पूष्णवे नमः, भानुभास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, ऐसे भगवान के जो नाम हैं उन नामों के साथ में भी आप भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। और भगवान सूर्य को जब भी जल चढ़ाएं इस बात का ध्यान रखें जल ऐसे स्थान में ना चढ़ाएं कि जहां आप उसके बाद फिर चल करके जा रहे हो, फिर वहां पर गाड़ी चल रही हो, आप जूते लेकर जा रहे हो, आप ऊपर कहीं बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हो, वहां ऐसी जगह नहीं है तो आप एक गमला रख सकते हैं, आप उसमें जल अर्पण करें। और स्वतंत्र आप घर हैं, आपके पास गार्डन है तो एक ऐसी निश्चित जगह में डालें जहां पर आपके पैर ना लगे। जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उसके बाद नेत्रों पर उस जल को लगाना चाहिए, अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए और बड़े अदब के साथ भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए जिनकी कुंडली में खासकर सूर्य खराब हो, सूर्य से संबंधित समस्याएं आ रही हो, उन लोगों को जरूर करना चाहिए। इसलिए आज यह कार्यक्रम आप सबके लिए बहुत काम का था, आप इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते फिर आए अगले और एक नए खास कार्यक्रम के जरिए, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।